नमस्कार, मैं रशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम प्राइम टाइम की कुछ खबरें अपने सहयोगी मोहम्मद मुईद के साथ। तो आइए देखते हैं मोहम्मद मुईद को अगली खबरों के साथ। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि फरुखाबाद की पुलिस कार्य को अंजाम नहीं देती। एसपी अशोक कुमार मीणा जी के निर्देशन में चल रही ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को देख अपराधियों के होश उड़ गए। जब भी हमारी कोई अहम चीज खो जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, खासकर यदि आपका मोबाइल हो जिसमें कॉन्टैक्ट फोटो जैसी खास चीजें हों। ऐसे में अगर कोई आपको खोया हुआ मोबाइल वापस दिला दे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशियों से भरा ऐसे ही नज़ारा दिखा जब पुलिस ने 50 ऐसे लोगों के मोबाइल बरामद कर उनको सौंप दिए। वह भी तब जब ये अपने मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। इससे पुलिस ने जनता के बीच अपने विश्वास को मजबूत कर दिखाया है। जिस पुलिस की छवि को लेकर जनता कई बातें बिखेरती थी और उसकी आलोचना करती थी, वो आज जनपद पुलिस का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रही। वहीं पुलिस अधीक्षक जी को बार बार धन्यवाद बोल रही है। कोई फोन पाकर खेले आवेदकों के चेहरे। एसपी अशोक कुमार मीणा जी ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि खोए मोबाइल के प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, एसओजी प्रभारी बलराज भाटी ने विभिन्न आवेदकों के मोबाइल फोन को खो जाने व कहीं गिर जाने के संबंध में प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई करते हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें सोमवार को उन आवेदकों को बुलाकर वापस लौटा दिए गए। एसपी ने बताया कि बरामद 50 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। खोए हुए मोबाइल फोन पाकर उनके मालिक काफी खुश हुए। उन्होंने जनपद पुलिस का शुक्रिया कहा। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप जी भी मौजूद रहे। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने यूपी 76 न्यूज को बताया, फतेहगढ़ की सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के द्वारा एडिशनल एसपी के निर्देशन में नेतृत्व में ये करीब 50 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रांतों में जिन लोगों के पास थे वहाँ से इनको बरामद किया गया है और इसकी इन टोटल मोबाइल्स की जो कीमत है करीब 8 लाख के करीब है। और आज यहाँ पर फतेहगढ़ पुलिस लाइन के अंतर्गत इन सभी के जितने भी ओनर्स थे उन सबको बुलाकर उनको ये जो मोबाइल्स हैं वितरित किए जा रहे हैं। कितने फ़ोन थे टोटल? टोटल 50 एंड्रॉयड फ़ोन है जिनकी कीमत करीब 8 लाख। यूपी 76 न्यूज़ प्राइम टाइम की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। पुलिस का दरियादिली काम, गरीब असहाय महिलाओं और बच्चों को वस्त्र वितरित कर कमाया नाम। शमशाबाद थाना अध्यक्ष मनोज कुमार भाटी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए गरीब असहाय महिलाओं व बच्चों को थाना परिसर में बुलाकर नए वस्त्र और फल वितरित किए। गरीब असहाय लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें गरीब अताएं, भिक्षा मांगने वाले गिहार, बस्ती मलिन बस्ती और लोहा पीठ समाज की महिलाएं और बच्चे नए वस्त्र पाकर हुए प्रसन्न और सभी ने दिल से दिया आशीर्वाद। उपहार देते थाना अध्यक्ष मनोज कुमार भाटी और कांस्टेबल सिंधु सिंह, महिला कांस्टेबल फरसर रानी, महिला कांस्टेबल निशु गौतम आदि लोग मौजूद रहे। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर में हम आपको लेकर चलते हैं कायमगंज, जहां लॉयंस क्लब कायमगंज के द्वारा नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार का किया गया भव्य स्वागत। लॉयंस क्लब का कायमगंज के द्वारा कायमगंज के नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कायमगंज की जनता ने डॉक्टर सुरभि गंगवार को विधायक बनाकर इतिहास रच दिया। लॉयंस क्लब के कायमगंज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कायमगंज के नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उनके साथ महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल व विधायक कायमगंज अनुराधा दुबे का भी स्वागत किया गया। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सिलाई की मशीन देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की गई।
इस मौके पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष विनोद गंगवार, दिनेश गंगवार, वलवीर गंगवार, सुधीर गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर प्रतोष अग्रवाल, आशीष गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे प्राइम टाइम की चौथी खबर की ओर। यह खबर है शमशाबाद से, जहां सुभाष चंद्र पुत्र बंशीलाल निवासी ग्राम कौंधे मई थाना नवाबगंज में थाना शमशाबाद में तहरीर दी। गौरव पुत्र रामवीर निवासी ग्राम कांधे मई थाना नवाबगंज अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल रोकी, जिस पर वह और वह व्यक्ति दोनों गिर गए और गांव के कुछ लोगों ने एक्सीडेंट के बहाने सभी ने मोटरसाइकिल चालक को लात घूंसों से जमकर धोया। पिटाई के बाद मोटरसाइकिल चालक तहरीर देने थाना शमशाबाद पहुंचा, जहां उसने यूपी 76 न्यूज को बताया। भाई सुभाष चंद्र, पिताजी का नाम श्री बंसीलाल, कहाँ रहते हो? ग्राम कांधे मई पोस्ट नवाबगंज जिला फरुखाबाद। क्या घटना हुई है तुम्हारी आग पे चोट और थाने में आए हो? अरे सर, हम यहाँ टाइल फैक्ट्री रोशनाबाद हसनापुर मतलब आ रहे थे काम करने के लिए, तो हम आगे निकल आए हजियापुर आगे लगभग, और दीपू और ये रामपाल बाइक चला रहे थे, तो इतने में उड़ियापुर पुलिया के पास में जो एक दारू पी के भैया आ गए अचानक से, उन्होंने हाथ दिया बाइक रोको, और इसने लगा रखी थी, उन्होंने पी रखी थी, और फिर जब तक इन्होंने ब्रेक मारी तब तक वो थोड़ी बहुत लग गई होगी मोटरसाइकिल, और इतने में बस उन्होंने दोनों को उतार लिया, बस वो पीटा जैसे जैसे जो मिला उससे मारा पीटा, और उसके बाद में इन्होंने हमारे पास फोन किया, तब हजियापुर से लौट के दोबारा वहाँ पहुँचे, हमने तो कुछ बोला भी नहीं ना कुछ, बस पूछा सिर्फ इतना कि भैया क्या बात हुई, कैसे क्या हुआ, पर इतने में तो भैया उन्होंने लाठी डंडा जो कुछ उन्हें जैसे कुछ मिला बाँस आग, और हम थे दिनेश से और जो गांव से फोन कर दिया लड़के वो आ गए, उन्होंने बस पूछा कुछ नहीं, बस सिर्फ मारना शुरू कर दिया, अब मोटरसाइकिल छीन खड़ी कर दी और बस उल्टा बहाना मतलब केस बना दिया कि एक्सीडेंट कर दिया, और उस बंदे ने ड्रिंक ले रखी है काफ़ी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा उससे, और हमें तो इतना मारा, हम तो छोड़ के भाग गए, जान बचा के जैसे कुछ बची थे बचा ली, और न था गांठ बांध देते हमारे। कितने लोग थे वो? वो 5-6 लड़के थे। तुम कितने लोग थे? हम तो 5-6 मतलब 8-9 लोग हम भी थे, लेकिन थे आगे पीछे, मौका अब नहीं थे, और हमने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ हाथ भी नहीं उठाया, बस उनके जाके आगे हाथ जोड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, और इतना मारा कि कुछ पूछो मत। तुम्हारे साथ में कितने लोग जख्मी हुए हैं चोटे? हमारे साथ में दिनेश हुए हैं, रामपाल हैं, दीपू हैं, और जो भी थे मतलब, और रामवीर भैया पहुंच गए, इनको भी मारा सबको, मतलब पूछा किसी ने कुछ भी, और बस मारा बुरी तरीके से। चलो ठीक है, तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की अंतिम खबर। इसमें देखिए, वृक्ष लगाए पर्यावरण बचाए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी जेवेश कुमार मौर्य ने अपने फतेहगढ़ स्थित कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से अपील की कि वातावरण को सुंदर व स्वच्छ बनाने के रखने के लिए वृक्ष लगाए और पर्यावरण बचाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।